नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नील में। दोस्तों आज फिर अपन लेके आए हैं बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो पिछले एग्जाम्स में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसी प्रकार आज के सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों यानी कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं का समूह है, तो निम्न में से कौन सा समूह ऐसा है जो वेस्टिजियल ऑर्गन का समूह होता है। तो दोस्तों वेस्टिजियल निष्क्रिय अंगों यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन के अवशेषी अंगों की बात करें, इसका अवशेषी अंग भी बोलते हैं। दोस्तों अवशेषी अंगों की बात करें तो अवशेषी अंग होते क्या हैं? अवशेषी अंग दोस्तों वे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वजों में कभी कार्यरत थे लेकिन हमारे अंदर वो अभी काम नहीं करते हैं, तो उनको बोलते हैं अवशेषी या वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसमें दोस्तों कृमि रूप परिशेषिका मतलब वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होती है, अपेंडिक्स अपने अंदर कोई काम नहीं करता है लेकिन अपेंडिक्स अपने अंदर बीमारी हो जाती है अगर वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अपने अंदर उसका कोई काम नहीं होता, वो वेस्टिजियल होती है। ओलिक्रेडन प्रवर्ध और रोम तथा कोंक्लिया, बुद्धिदंत मतलब विजडम टिथ जो अक्लदार जिसको बोलते हैं उसका कोई काम नहीं होता है अपने यहाँ। स्तन ग्रंथियाँ पटेला, ये स्तन ग्रंथियाँ काम की होती है, पटेला हड्डी होती है एक दोनों फीमर और टीबिया फिबुला के बीच में मतलब जांग के पास में हड्डी होती है, कोक्सीकोन वोन। और ये नेक्स्ट है दोस्तों निमेशक पटल मतलब आँख की झिल्ली, कृमि रूप परिशेषिका यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, तो ये क्या होता है, ये ये जो है अवशेषी अंग है, ये भी अवशेषी अंग है। कान की जो पेशियां होती है, हाथी में कान जो हिलते हैं जैसे हमारे अंदर नहीं हिलते, तो ये कर्ण पेशियां भी क्या है एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन है। कोक्सी अस्थि ये भी क्या होती है, ये होती है एक तरह से अवशेषी अंग। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पुनरुद्भवन, तो पुनरुद्भवन मिलता है तो रीजनरेशन की पावर किसमें मिलती है, कॉकरोच में, खरगोश में, मक्खी में या फिर प्लेनेरिया में। तो दोस्तों रीजनरेशन की जो पावर होती है प्लेनेरिया में पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है वो प्लेनेरिया में पाई जाती है, शरीर वापस से बन जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समवृत्ति अंग या फिर एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं। अच्छा दोस्तों समवृत्ति और एक और वर्ड होता है समजात अंग। तो दोस्तों बात करें अगर अपन समवृत्ति और समजात अंगों की तो क्या होते हैं ये, तो दोस्तों एक होता है समवृत्ति अंग या एक समजात अंग, एक होता है समरूप अंग। तो दोस्तों अगर समजात अंगों की बात करें तो समजात अंग वे अंग होते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, मतलब इनके कार्य अलग अलग होने के कारण ये असमान दिखाई देते हैं लेकिन इनकी जो मूल संरचना है वो एक ही रचना होती है, मतलब जो मूल रचना क्या होती है इनकी समान होती है, मतलब वो दिखाई देने मतलब जो इनकी उत्पत्ति हुई थी वो समान हुई थी लेकिन वो कार्य अलग अलग करते हैं, इस कारण वो क्या हो गए हैं अलग अलग दिखने दिखाई देने लगते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं समजात अंग, मतलब इनकी एक ही जाति थी उत्पत्ति के टाइम पे। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों अगर बात करें अपन कि समरूप अंग क्या होते हैं, तो ऐसे अंग जो समान कार्य उपयोजित होने जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, मतलब कार्य समान है तो इनका रूप भी समान हो गया, कार्य समान करते हैं तो इनका रूप भी समान हो गया, मतलब दिखने में भी समान हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे समरूप, कार्य समान तो रूप भी समान, तो क्या हो जाएंगे समरूप। समजात मतलब इनकी जाति एक ही थी बचपन में जब ये पैदा हुए थे, सबसे पहले अगर बात करें जो प्रारंभ में ये दोनों एक ही रचना से उत्पन्न हुए थे लेकिन कार्य अलग होने के कारण ये क्या हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट होता है समरूप अंग, जो एनालोगस ऑर्गन है ये क्या होते हैं समवृत्ति अंग, और इसी को क्या बोला जाता है समरूप अंग बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों समरूप अंग, ये किसका नाम है एनालोगस ऑर्गन का यानी कि समवृत्ति अंग का ही क्या नाम है समरूप अंग। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, तो दोस्तों इनकी कार्य रचना क्या है समान होती है इस कारण ये समान दिखाई देते हैं, तो चमगादड़ के पंख और तितली के पंख इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि कौन सी हार्मोनल बीमारी है, मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जो हार्मोन की वजह से होती है, हार्मोन की वजह से होती है। तो दोस्तों सर्दी जुकाम खांसी क्या होते हैं वायरस की वजह से होती है, वायरल डिसीज़ है। गेंगा जो गोइटर होता है ये अपन बोलते हैं आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन ये दोस्तों मूल रूप से होता किस बीमारी की वजह से, तो ये होता है दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण, जो थायराइड ग्रंथि होती है गले में उसमें थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, इस थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है दोस्तों कमी के कारण गेंगा रोग या फिर गोइटर रोग हो जाता है।
ट्यूबरकुलोसिस जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है ये, और लेप्रोसी कुष्ठ रोग भी इनकी वजह से होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, गेंगा रोग जो होता है, गेंगा रोग होता है किसकी वजह से, आयोडीन यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। तो हार्मोनल डिजीज कौन सी है दोस्तों, गेंगा गोइटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों अगर, तो डार्विनिज्म क्या है, यानी कि डार्विनिज्म क्या होता है, तो डार्विन की थ्योरी क्या है मूल रूप से देखा जाए, तो डार्विन की थ्योरी होती है दोस्तों उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी कि जो भी लक्षण अपन ने उपार्जित किए हैं वो आने वाली पीढ़ियों में भी होंगे। ये थी दोस्तों लेमार्क की थ्योरी, इसको बोलते हैं लेमार्किज्म। जनन द्रव्य की निरंतरता, प्राकृतिक चरण दोस्तों, नेचुरल सेलेक्शन, नेचुरल सेलेक्शन, ये थ्योरी थी दोस्तों डार्विन की। तो डार्विन की थ्योरी क्या थी दोस्तों, कि नेचुरल सेलेक्शन है कि प्रकृति उन जीवों का चयन कर लेती है जो प्रकृति की जो भागदौड़ में जो सर्वोत्तम पाए जाते हैं, यानी कि जो समय के साथ साथ या प्रकृति के जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उनमें जो अनुकूल हो जाते हैं प्रकृति उनका चयन कर लेती है। ये किसकी थी थ्योरी, नेचुरल सेलेक्शन, डार्विन की थ्योरी थी। उत्परिवर्तनवाद दोस्तों पिछले वाले लेक्चर में अपन देख चुके हैं एमसीक्यूज में, टॉप 10 एमसीक्यूज में, कि उत्परिवर्तनवाद की थ्योरी दी थी ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो दोस्तों उत्परिवर्तनवाद हो नहीं सकता, आंसर क्या आएगा दोस्तों, प्राकृतिक चयन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जब दो जीव साथ रहे तो एक को लाभ हो तथा एक को दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है, एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है। दोस्तों एक को तो लाभ हो रहा है और दूसरे को न तो लाभ होता है और न ही हानि। पेरासिटिज में क्या होता है, पेरासाइट क्या होता है, पेरासाइट क्या करते हैं कि जो पेरासाइट होता है उसको तो लाभ होता है, मतलब एक जीव को लाभ होता है लेकिन दूसरे को क्या होती है, हानि होती है। एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि होती है, इसको क्या बोला जाता है, पेरासिटिज्म। और यहां पर पूछा है एक को लाभ और दूसरे को क्या हो, कोई लाभ ना हो। कोई लाभ ना हो मतलब न तो हानि की बात कर रहा है न ही लाभ की बात कर रहा है। प्रिडेशन मतलब भक्षण करने वाले जीव, प्रिडेशन जैसे एक तरह से देखा जाए तो पेड़ के ऊपर मान लो कोई भी पक्षी वगैरह बैठ जाते हैं तो ये भक्षण करते हैं, प्रिडेशन वो अलग वाले हो जाएंगे जो पेड़ों के ऊपर होते हैं। फिर दोस्तों सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस मतलब वो साथ साथ जीवन यापन करते हैं, दोनों को ही लाभ होता है। जैसे अगर फंजाई की बात करें, फंगस की बात करें, तो ये क्या होती है, सिम्बायोसिस जीवन जीते हैं। फिर होता है दोस्तों कमेंसेलिज्म, कमेंसेलिज्म का मतलब होता है सहभोजिता। सहभोजिता क्या होता है दोस्तों, कि दो जीव एक साथ रहते हैं लेकिन एक को तो लाभ होता है और दूसरों को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, तो ऐसा जीवन क्या कहलाता है, सहभोजिता, जो कि अपने क्वेश्चन का आंसर भी है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सहजीविता। ठीक है, और प्रिडेशन का एग्जाम्पल दोस्तों अपन गिद्ध वाला देख सकते हैं, एक तरह से गिद्ध का जो भी एग्जाम्पल है, गिद्ध क्या करता है, सड़े गले जीवों को भक्षण करता है, वो प्रिडेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि भूमि अपरदन, सोइल एरोजन की रोकथाम संभव है। अच्छा, भूमि अपरदन की रोकथाम अपन किस तरीके से संभव कर सकते हैं दोस्तों, दोस्तों एफॉरेस्टेशन मतलब पुनः वन रोपण से, मतलब अगर फिर से अपन पेड़ लगाएं सब जगह पे तो क्या इससे भूमि का अपरदन कम हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि भूमि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती है, उसको जाने नहीं देती हैं। तो भूमि का जो अपरदन होता है उसको रोकने के लिए भी क्या कर सकते हैं, अपन पेड़ लगा सकते हैं, ये तो सही है। वनों का विनाश दोस्तों, वनों के विनाश से तो और ज़्यादा भूमि का अपरदन होगा। फसलों का प्रत्यावर्तन, क्रॉप रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, और चारागाह के प्रबंध से भी कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो दोस्तों चारागाह से तो क्या होता है, और मिट्टी की कमी हो जाती है, मतलब मिट्टी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, क्योंकि छोटे छोटे जो जानवर होते हैं जो चारे खाते हैं उनको वो एकदम अपने जमीन से निकाल कर उनके साथ मिट्टी भी क्या होती है, चली जाती है। तो इसका आंसर आएगा पुनः वन रोपण। डार्विन का सिद्धांत था दोस्तों, डार्विन का सिद्धांत अभी अपन थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक चयनवाद। डार्विन का सिद्धांत क्या था दोस्तों, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये भी डार्विन का ही सिद्धांत था, लेकिन ये प्राकृतिक चयनवाद का, नेचुरल सेलेक्शन का क्या था, सब पार्ट था। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, प्राकृतिक चयनवाद, नेचुरल सेलेक्शन। म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी ब्रिज ने दी थी, और परिवर्तनों सहित अवरोहण ये भी क्या आएगा, डार्विन के अंदर नहीं आएगा। तो क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर, प्राकृतिक चयनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है दोस्तों, कि ऐसा जीव था जो पूरी तरीके से उड़ने में सक्षम नहीं था, लेकिन इसको पक्षी और यानी कि जो रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल यानी कि सरीसृप जो रेंगने वाले जीव होते हैं, और बर्ड्स के बीच की क्या बोला जाता है, कड़ी बोला जाता है, कनेक्टिव लिंक। बर्ड्स के बीच की क्या बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंक, मतलब उनके बीच की कड़ी बोला जाता है। तो सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी कौन आता है दोस्तों, आर्कियोप्टेरिक्स को बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड तो उत्पन्न होती नहीं है क्योंकि यह हानिकारक होती है और प्रकाश संश्लेषण के उससे कोई मतलब पराबैंगनी किरणों से कोई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता नहीं है इतना। तो क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? ओजोन उत्पन्न होती है, O3 जो है गैस होती है जो ये उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगले जो वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।